श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन, ज्ञान वापी में हुए कमीशन की कार्यवाही और इस मामले की पोषणीयता पर कोर्ट ने अगली तारीख 4 जुलाई कर दी है। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस मामले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में ट्रांसफर किया गया था। इस मामले पर 26 तारीख से लगातार सुनवाई चल रही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान एक स्कूल का ऐसा वाक्य बताया जिसे सुनकर सभी विधायक हंस पड़े। वहीं योगी आदित्यनाथ भी खिलखिलाहा कर ठहाके लगाने लगे। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी का बजट विधानसभा सत्र काफी मायनों में यादगार रहेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की शायरी से शुरू हुआ विधानसभा का शायराना सफर योगी आदित्यनाथ से होता हुआ कई विधायकों के भाषण का अभिन्न हिस्सा बन गया। सुरेश खन्ना के शेर मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, पर योगी आदित्यनाथ समेत सभी विधायक खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में इसका शायराना तरीके से जवाब दिया। पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा सत्र के दौरान सवाल जवाब का दौर चालू है। इस मौके पर यूपी सरकार की ओर से कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी बताया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कोरोना से 23,512 लोगों की मौत हो चुकी है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने यूपी सरकार के इस आंकड़े को झूठा बताया है। पूरी दुनिया में अपने रेल नेटवर्क से अलग पहचान बना चुके भारतीय रेलवे की बारीकियों को समझने के लिए बांग्लादेश के रेल मंत्री नरुल इस्लाम सुजान भारत की यात्रा पर हैं। सोमवार को भारतीय रेलवे के सिस्टम को समझने के लिए बांग्लादेशी रेल मंत्री नरुल इस्लाम सुजान ने लखनऊ से रायबरेली तक स्पेशल ट्रेन से विंडो ट्रेलिंग की।